क्लॉट्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉट्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉट्स शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। मुंब्रा बाईपास वाई जंक्शन के पास आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास एक ट्रक ने एक स्कूटी सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से स्कूटी सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कल्याण फाटा की तरफ से ये ट्रक आ रहा था और मुंब्रा की तरफ से स्कूटी सवार ये व्यक्ति जा रहा था और तभी इस दौरान कालशेखर हॉस्पिटल के पास टक्कर हो गई। घायल अवस्था में इस व्यक्ति को ऑटो रिक्शा के जरिए वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने इसे अस्पताल पहुँचाया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद जो है ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। भिवंडी में आज निर्माणाधीन मेट्रो का खंभा गिरने की वजह से 5 मजदूर घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि भिवंडी अंजुर फाटा चौक मराठा पंजाब होटल के पास ये हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मेट्रो का काम चालू है और इसी दौरान निर्माणाधीन एक खंभा गिर गया, जिसमें 5 मजदूर घायल हो गए, इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उल्लासनगर के युवा नगर सेवक पप्पू गुप्ता की सड़क दुर्घटना में जान चली गई है। बताया जा रहा है कि रात 12 बजे के आसपास पप्पू गुप्ता अपने दोस्तों के साथ टिटवाला की तरफ जा रहे थे और तभी रास्ते में एक टेम्पो से जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में पप्पू गुप्ता की जान चली गई। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां घूस लेते हुए एक सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। सिपाही का नाम रामप्रीत यादव बताया जा रहा है, जो परसपुर थाने में तैनात है। रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर ये सिपाही घूस लिया था। खाद की दुकान पर चाय की चुस्की लेने के बाद सिपाही ने पीड़ित से रिश्वत लिया और जिसकी ये वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी अब वायरल हो रही है। वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित क्षेत्राधिकारी ने बताया कि सिपाही को निलंबित कर दिया गया है और आगे की जांच जारी है। थाना परसपुर में नियुक्त एक आरक्षी द्वारा एक व्यक्ति से पैसे लेने के संबंध में वायरल वीडियो संज्ञान में आया है, जिसे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और इसकी जांच संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है। वही गोंडा से ही एक खबर और सामने आई है, जो बेहद ही शर्मसार कर देने वाली खबर है। वर्दी की हनक में सरेआम बेल्ट से एक युवक को चौकी प्रभारी अश्विनी कुमार दुबे पीटते हुए नजर आए। घटना रोडवेज बस अड्डे की है। 10 नवंबर की रात की ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने इस मामले को संज्ञान में लिया और तत्काल चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है। आगे की इस मामले की जांच पड़ताल क्षेत्रीय अधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम कर रहे हैं और इस पूरे मामले में क्षेत्रीय अधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। चौकी प्रभारी रोडवेज थाना कोतवाली नगर द्वारा बस स्टॉप पर कुछ लोगों के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से चौकी प्रभारी रोडवेज को लाइन हाजिर कर दिया है। अलग से इनकी जांच की कार्रवाई प्रचलित है।